अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? एंजॉय भी रहे हैं, खुश रहे हैं, आबाद रहे हैं, हंसते हैं, मजाक रहे हैं, फूलों की तरह? तो हमें चेक कर सकते हैं, हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप जा रहा हूँ और गोश्त आया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। ये जी अम्मी से गोश्त पहुँच चुका है। ले आए हो? हाँ जी। तुम्हारे अबू कहाँ हैं? अबू वहाँ पर है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है जल्दी जल्दी पकाओ, भूख लगी है हमको भी। मैं जो अभी मिसाले काट रहा हूँ। हाँ जी। तो मौसम जो है वो भी खराब हो रहा है। हाँ जी। बनाती हूँ। ठीक है जी। ईशान खान आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। रोजे की तरह भी। नहीं, ये बोलते हैं ज़ैल हज की, और जो लोग हज उमरा के लिए गए हैं, जिसकी कुर्बानी अल्लाह पाक उसकी कुर्बानियां कबूल करे और उसका हज उमरा भी कबूल हो। हाँ जी। वैसे पता तो है, मैंने कहा हाँ, हंसी मजाक हो जाए। मैं सुबह आया था, आप घर पर नहीं है, कहाँ पर गए थे? वो उधर चाचू के साथ में गया हुआ था, थोड़ा वो गोश्त वगैरह का काम था ना, इसलिए। अच्छा जी, सही हो गया। और ठीक ठाक। ईद नमाज पढ़ी? हाँ जी, सुबह उठेगी। अच्छा, आपके घर है, मतलब आपने खाना वगैरह खा लिया है कि अभी तक नहीं? अभी बन रहा है। हमने तो सुबह 8 बजे खा के। आपके यहाँ कुर्बानी भी नहीं थी ना? आपके घर में कुर्बानी नहीं थी, तो आपके जो हमसाए थे ना, उसकी कुर्बानी है थी ना, तो आपके घर सुबह सुबह गोश्त आ गया था। हमारी अपनी कुर्बानी थी, लेट कर दिया। आपने जाए, आप अपना हिस्सा लें, फिर कार दे के आए। कहाँ से? उधर नानी अम्मा से अपनी। सही है, वो बांट रही है, हमारा हिस्सा आ गया है ना, तो वो टाइम से ले जाए, बाकी फिर हम साइन को सब सेल कर देंगे। अभी तो वो खा के आए हैं, जब जाएगा तो लेके जाएगा। नहीं, अभी ले ले जाके ना, अपना हिस्सा ले लो, उनके जहन में नहीं आएगा, निकल गया जहन से फिर। हाँ जी, ये बात है। ये लो, ये देखें जी, जोड़ आ चुका है। तो बारिश जल्दी जल्दी खाना छाना बनाएंगे, तो बारिश है आज ना आ जाने। ये देखें जोड़ बनना हुआ है लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक। तकवी ढेग सारी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तकवी ढेग ढेग मुबारक। ढेग ढेग खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ढेग ढेग मुबारक। बात ईद मुबारक। खैर मुबारक। नंबरदार ईद मुबारक। खैर मुबारक। और गोश्त का भी ईद मुबारक। तैयारियां हो रही है? हां जी। गोश्त का तो सबसे पहले ईद मुबारक, क्योंकि ईद मुबारक यही है। हां जी। हमारे सुबह ने खाया है कि नहीं? नहीं, अभी तो ऐसे पेट घूट रहे हैं, कुछ भी नहीं खाया। दिखा लिया बनाओ, खा रही था ईद मुबारक। मैं यहाँ पर बना होगा तो ईद मुबारक खा लूंगी। दे देंगे, खा लूंगी। अभी बना रही हूँ, बैठ जाओ फिर मिलजुल। आपका बकरा आ गया? नहीं, अभी हमारा बकरा वहीं पर बाक रहा है। हाँ, तो जाना चाहिए था, अभी देर है। अच्छा जी। तो जी बेगम साहब जो है, उन्होंने जो है ये गोश्त एक पतीले में जो है वो काट के सेट कर दिया है, ये देख सकते हैं जी। तो मैडम जी, कितनी देर में आप स्टार्ट करेंगे इसको पकाना? बस अभी आग जलानी है, इसको ना काट के अच्छी तरह इसको धो लूंगी। अच्छा। तो फिर आग जला के इसको रख दूंगी, जब आग अच्छी तरह से जल जाती है तो फिर तो जल्दी बन जाता है। गुड। लकड़ियाँ गीली हुई पड़ी है ना। चलो सही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और मुझे नींद होगी? अपने पापा को नहीं ईद मुबारक दोगी? खैर मुबारक। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। मैंने जब आपको ईद मुबारक कहा तो आपका फर्ज था, आप जवाब में कहती आपको भी मुबारक, ईद मुबारक हो। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा खैर मुबारक, ये हो गया। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप जी पहुंचे हैं जी अकरम खान के घर, उसको देखते हैं भी वो क्या कर रहे हैं। जनाब सरकार मिलने आए थे, अपने ब्लॉग में बनाया था, लेकिन जो है उससे हम ना मिल सके। ओ अकरम खान बलोच, ओ अकरम खान बलोच, गर्मी लगी हुई अंदर पड़े हो, जरा बाहर आना भाई। मौसम खराब हो गया है। वो कोई नहीं, अभी ये धूप है, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा बादल के, यहाँ पे बरसात बरस जाए। आए आए सर, आए आए, तशरीफ लाए। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खुश हैं?
अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का। तबीयत ठीक है? बिल्कुल जबरदस्त भाई। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत मुबारक आपकी पूरी फैमिली को जी। खैर मुबारक जी। कैमरा तो थोड़ा सीधा करो यार, कैमरा सीधा करके चलाया यार। जैसे मैंने आपको कहा आपने बदला ही ले लिया वैसे कैमरा जरा ना आपका टेढ़ा था ना अभी। अच्छा, अभी अभी इधर ठीक है, इधर ठीक है ना। चलो जी। और माशाल्लाह बना है जबरदस्त, मिल गया देखो। काफी लेट कर दी यार, बच्चे इंतजार कर रहे हैं यार। लेट का मसला ये नहीं है, जो है क्योंकि सब हर कोई अभी लेके जा रहा था, उधर भी शहर का काम था। सही है, चलो मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे हैं, पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे भी दे दो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। ये जो है भाई साहब जो है गोश्त मेरे ख्याल काट रहे हैं। हाँ जी, ईद मुबारक हो भाई जी। खैर मुबारक हमारे सब देखने वालों को। मुबारक हो सब देखने वालों को। मुबारक बहुत। खैर मुबारक भाई, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। खैर मुबारक। छुरी बड़ी तेज लाए हैं, कहाँ से तेज करवाई है? मैं खुद तेज की है भाई, नलके पे। वाह जी, गुड हो गए। नलके के खाने पे। वाह जी। और ये देखो ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। देखो चाची को ईद मुबारक। अभी चलते हैं घर की तरफ और जो है आपको ये दिखा दूं, मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो बादल आ चुके हैं और बारिश आने वाली है, पहुंचने वाली है यहाँ पे। तो घर पे चलते हैं, रेसिपी जो है उसको गोश्त बर्फ कैसे बनाते हैं वो आप सबको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहिउद्दीन भाई क्या हाल है? ठीक है। ईद मुबारक जनाब। बहुत बहुत खैर मुबारक। खैर मुबारक। और क्या हाल चाल है? ठीक है, मज़े हैं। मौसम का मैंने बताया है जी, ये बादल आ चुके हैं और जो है अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल में बारिश आने वाली है इंशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी आए, मगर थोड़ी देर करके आए तो अभी वो गोश्त वगैरह पका के खा लेना, हमारा पक जाए बस बैठ के अंदर खा लेंगे, उस वक्त तक ना आए, दुआ करते हैं। जी यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको दिखा सकूँ, आग जो है वो जलाई जा रही है और पतीला गोश्त का जो है वो पहुँच चुका है और लेके आया है नंबरदार। हाँ जी। तो इसने जो है ये लकड़ियाँ जो है ये इकट्ठी कर ली है नंबरदार ने, तो आग जलाएं थोड़ा सा, नहीं तो उधर से थोड़ा पेट्रोल निकाल के ना डाल दो और आग लगा दो। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने इसको काट के ना धो के अभी लेके आई हूँ। चलो ठीक हो गया जी, धो लिया गोश्त को। हाँ, अच्छी तरह और मसाला जा सब आ गए। हाँ, मोटर चला के ना शॉर्ट दी जाती है तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसे मैंने किया, लाइट अभी खड़ी है। बहुत अच्छा किया जी, वेरी गुड हो गया। और नंबरदार गोश्त की तलब हो रही है, सुबह से नाश्ता किया था, उसके बाद 2 बज गए हैं अभी तक जो है ये तैयार नहीं हुआ गोश्त। अभी तैयार होना है, तो आपको क्या लग रहा है, भूख महसूस हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा के थोड़ी? बहुत। और उधर देखो भाई आंधी आ चुकी है, पहुंच चुकी है जी, जल्दी करें बेटा ऐसा करो ना, नहीं तो आप देखें गैस सिलेंडर चेक करें उस पे है, गैस है या चेक करें जाकर। खत्म हुआ पड़ा है। खत्म है। अपनी बहन को बोलो कि ये कपड़े भी उतार लें। हाँ, कपड़े जल्दी से उतार लो, बारिश आने वाली है। ठीक है, कार से उठाना है, 2 तना यहाँ भरे पड़े हैं। ओके जी। अच्छा जनाब, मैडम साहब आपको गोश्त मिल गया है, आप पका रही हैं माशाल्लाह ये धो के, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? गोश्त आपको जब मिला है तो कैसा महसूस हुआ है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हर 1-2 दिन बाद खा लेते हैं ना। हाँ जी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और मुझे थोड़ी सी ये परेशानी है, ऐसे भी लोग हैं जो इस साल उसको पूरा साल गोश्त नसीब नहीं होता, साल के बाद आ सकते हैं कि ये जो है इस ईद पे गोश्त कहीं ना कहीं से आधा किलो किलो कहीं से आस लगाए बैठे होते हैं। आस लगाए बैठे होते हैं। तो पहले व्लॉग में हमने बताया है कि गरीबों की देखना चाहिए, हमसायों को देखना चाहिए, और यहाँ पे जो है 1.5 मन गोश्त आया है। अपने अम्मी अबू को कहना, सब जो हमारे, मैंने उनको कह दिया है, अम्मी ने बांटा है जी, सब भाइयों के हिस्से बना के दिए। उसके बाद हकम साहब सारे फौजी साहब हो गए, वो उधर मस्जिद के पास भी यतीम बच्चे हैं, यहाँ भी यतीम, उधर भी हकम साहब को देना, फिर देख लेना कहीं के कोई गरीब, देख लेना कहीं दूर कोई गरीब आप कुछ रख दें फ्रिज में रख दें, कल तक भी पता लग जाता है किसी के यहाँ गोश्त नहीं जाता ना, फिर बहुत दुख होता। अच्छा नंबरदार, जा रहे हो गैस भरवाने? चलो जाओ यार, मैं पता नहीं वो गैस वाला बैठा भी है या छुट्टी की है उसने, तो देख लेना, बैठो तो भरवा लेना, नहीं बैठो तो फिर नहीं। घर साथ नहीं है, साथ नहीं है, साथ नहीं है उसके घर, वो घर किसी का ही है और पे। चलो ऐसे चक वन पी पे उसकी जो है वो घर है, और इधर स्टेशन पे जो है उसकी दुकान है। कितना भरवाना, कितने का मैं आपकी ने कितना भरवाना? नहीं नहीं उसने कहा कितना है? 2 किलो।
गैस का रेट भी बढ़ गया है मेरे ख्याल, 230 रुपए किलो। हाँ जी, अल्लाह अकबर। बस आप जल्दी करो, जल्दी लगाओ, इधर ध्यान दिए आगे, ये बारिश ना आ जाए यार, काम अधूरे रह जाएंगे सारे। तो जी मैडम साहब ने जो है पतीला चढ़ा दिया है चूल्हे पर और आग जो है वो जल चुकी है। और इधर यार बारिश आ रही थी तो मैं काफी परेशान हूँ इस बात को लेके। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा ना। हाँ जी, मैं काफी इंतजार में खड़ा हूँ यार, काफी देर हो गई, आप बैठी हैं चूल्हे पे, बस जल्दी तो कर रही हूँ। वाह ये जो है आतिफ अली खड़ा है, बोतल पी रहा है, साथ में बीबी है, साथ में जैनब, साथ में जो बकार है और उसके पीछे जो है वो है बोतल पी रहा है वो है। अपना नाम बताओ यार, भूल जाता हूँ मैं। फरहान। और यहाँ पे मूवी मेकर और यहाँ पे मेहरान, ये रिजल्ट चेक कर रहे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह मैडम, जल्दी करें, मैं आपके साथ हूँ आज। इधर आना, ये किसने दिया गोश्त? चाची ने। कौन सी चाची? चाची। आपको किसने दिया? आपको दादी अम्मा। दादी अम्मा ने दिया है? क्या कहे चाची को दो? हाँ जी। चो वो बैठिए, दे दो जाके। बेटा क्या सेना ही करते हैं, जहाँ कंडे बिखरे पड़े हैं। ये जो हाथ रहे हैं और गोश्त ले आई है दादी अम्मा ने दिया है, दादी ने भेजा है। हाँ जी, कहीं भूल तो नहीं रही याद ना, किसी और को देना हो यहाँ पे देना आ गई हो। ओके ओके। तो जी फाइनली जो है बारिश आ चुकी है और नंबरदार भीग चुका है, पता नहीं गैस भरवाया या नहीं भरवाया। नंबरदार गैस भरवाए हो? दुकान बंद है, रोलते गए हैं, बट चस बड़ी आई है। अब क्या होगा, बारिश भी आ चुकी है फाइनली, बहुत तेज बारिश। मैडम जो है बड़ी तेजी से काम कर रही है, मैं भी हाथ निपटाता हूँ इसके। बारिश जो है काफ़ी तेज़ आ चुकी है और जो है सारा निज़ाम गरम हो चुका है, अल्लाह खैर फरमाए। बारिश का जो पानी है आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर आ रहा है, इतना बड़ी शॉट के साथ आ रहा है और बड़ा तेज़ आ रहा है, तो ये पानी अंदर दाखिल हो रहा है। माचिस भी गीली हो गई है और जो है वो भी खत्म आग खत्म हो गई है। ओहो, अभी तो उधर ही पानी भी गर्म नहीं है। चलो देख लेते हैं कुछ देर बारिश रुक जाए तो। अभी तक जो है गोश्त तैयार नहीं हुआ, वो उसकी वजह यह है कि आग जो है वो सही साल से जल नहीं रही, बारिश आ गई थी तो बारिश में कुछ लकड़ी भीग गई थी, उसके बाद जो है इसको मिनटे तरले करके कुछ अलग जलाया है। तो अभी 3:30 से लेकर अब हो रही है मेरे ख्याल 5 से भी ऊपर टाइम, 2 घंटे हो गए अभी तक तैयार नहीं हुआ जी। बेहतरीन कंडीशन ये है जी, देखो शायद नेड़े लगा हुआ है ना। हाँ, बस थोड़ी सी देर है, गूंद रहे हैं थोड़ा सा, कुछ ने कहा कि हम जो है साला नहीं खाएंगे, बोटियाँ सिर्फ रोटी नहीं खाएंगे, तो किसी ने कहा कि एक दो रोटी खाएंगे तो उसके लिए आटा तैयार हो रहा है। ये जी आ गया नूर मोहम्मद, नूरा पूरा टोपी पहन के, और साथ में इस्लामुद्दीन, साथ में इब्राहिम। क्या हाल है? आतिफ अली क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? और ये आ रही है जैनब, जैनब कहाँ गई थी? सानू को उठाने। हाँ, सानू को लेने, ढोलू को लेने गई थी। कहाँ पे था वो? बाहर। अच्छा, ये देखें जी आ गया, वो देख गेट दे रहा है ढोलू। ओए ढोले मोले इधर आ जाओ, गेट बंद कर रहा है जी, खोल रहा है।